अब मसीह होने के नाते हमें ये चीज सिखाई जाती है कि हम किसी घटना का नतीजा नहीं है। और आप में से जितने जनों ने बायोलॉजी पढ़ा होगा, आप बायोलॉजी को पता नहीं किस तरीके से देखते हैं, बट बायोलॉजी मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि बायोलॉजी हमें बहुत सुंदर तरीके से इस चीज के बारे में बताता है कि मनुष्य की रचना कोई घटना नहीं। उन लाखों शुक्राणु यानी स्पर्म्स में से और उन मल्टीपल एग्स में से, विभिन्न जीवाणु में से एक का मिश्रण बन के हमारी उत्पत्ति हुई है। तो हमें अपने आप के बारे में काफी गर्वान्वित महसूस होना चाहिए कि हम कोई घटना का नतीजा नहीं है, पर हम प्रभु की सोची समझी योजना का एक हिस्सा है। जब हम बात करते हैं हमारे प्रभाव की, तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि मैं कौन हूँ। और अक्सर हम लोग बड़े से बड़े सीनियर लीडर्स को देखें या जूनियर से जूनियर व्यक्ति को देखें, क्योंकि वो अपने आप के बारे में सही नहीं जानता या जानती, इसलिए वो दूसरों को उनके जीवन के लक्ष्य को बताने में असफल रहते हैं। अक्सर हमारे सीनियर लीडर्स हों या जूनियर मेंबर्स हों, सब इस चीज को कहते हैं कि मनुष्य जो है वो परमेश्वर की रचना है। पर मनुष्य केवल परमेश्वर की रचना नहीं है, मनुष्य परमेश्वर की श्रेष्ठ रचना है। अगर आपने बाइबल में देखा होगा कि कोई भी चीज सिर्फ घटना मात्र नहीं है। प्रभु ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, परमेश्वर ने जानवर और पेड़ प्रजाति की सृष्टि की, और उसने देखा और कहा अच्छा है। तो आज जब आप यहाँ पर जुड़े हैं, आप अपने लाइफ के बारे में सोचें और आप ये जानें कि आपकी जो भी परिस्थिति रही होगी, आप जिस भी पृष्ठभूमि में रहे होंगे, आप अच्छे हैं। और एग्जैक्टली जैसे हम कहते हैं गॉड्स मास्टरपीस, क्यों हम गॉड्स मास्टरपीस हैं, मैं चाहूंगी हम सब ऐसे अपनी उंगलियों को करें, सभी जन ऐसे अपनी उंगलियों को करें, ठीक है। और अब अपनी उंगलियों को खुद भी देखें। अब आप कहेंगे ये क्या आज के दिन उंगलियों को दिखा रहे हैं? आप में से ऐसा कौन है जो कह सकता है कि आपकी दोनों उंगलियों की रेखाएं मिलती हैं, सॉरी अंगूठों की रेखाएं, किसी की अंगूठों की रेखाएं मिलती हैं? नहीं। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि आपकी खुद की तो अंगूठों की रेखाएं मिलती नहीं है, पर साथ ही साथ इस दुनिया में जितने भी खरब अरब और जितने भी लोग हैं, उनकी भी आपस में ये अंगूठों की रेखाएं नहीं मिलती। और इसी सिद्धांत के आधार पर बनाया गया है हमारा स्मार्टफोन। स्मार्टफोन में या तो पीछे हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर होता है या यहाँ पर सेंसर होता है। और क्यों ये पासवर्ड सबसे ज्यादा खतरनाक है? क्योंकि नंबर का पासवर्ड तो कोई ट्राई भी कर ले, कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा एक खराब कॉम्बिनेशन होंगे। अगर तीन नंबर हैं तो उनके कम से कम 9 या 900 कॉम्बिनेशन होंगे, पर हमारे जैसा कॉम्बिनेशन कहीं भी नहीं। पर अब आप सोचिए कि आपका प्रभाव जैसा कॉम्बिनेशन भी कहीं नहीं, आप जो हैं वो सबसे अलग हैं, आपका प्रभाव भी सबसे अलग है। अब इसके लिए आपको ये जानने की जरूरत है कुछ बातें हैं जो हमारे प्रभाव को इम्पैक्ट करती हैं। हमारा प्रभाव दूसरों पर कैसा पड़ता है, उस चीज के बारे में कुछ बातें हैं जो हम पर प्रभाव डालती हैं। सबसे पहले तो हमारी अपने बारे में सोच क्या है। मैं जानती हूँ यहाँ पर हम अलग अलग जगह से लोग हैं, अलग अलग पोजिशंस पाए हुए जन हैं, पर हम अपने बारे में क्या सोचते हैं ये बहुत बड़ा प्रभाव डालता है कि हम परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हैं और हम दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं। हम अगर अपने बारे में सोचते हैं कि हाँ प्रभु तो मुझसे प्यार तो करता है, पर मेरा इतिहास जो है वो बहुत बुरा रहा, अगर हम ये सोचते हैं ना, तो दो तरीके के प्रतिउत्तर निकलेंगे। या तो हम सामने वाले के बारे में सोचेंगे कि इसके जीवन में भी कुछ बुराई हुआ होगा, हम बहुत ज्यादा दया खाने लग जाएंगे, या फिर क्योंकि हमारे साथ हमारे इतिहास में बुरा हुआ, दूसरों के सामने भी, दूसरों के साथ भी बुरा करने लग जाएंगे। इसका छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगी। अब आप देख सकते हैं कि मैं जो हूँ हष्ट पुष्ट हूँ और जैसे हिंदुस्तानी भाषा में कहते हैं तो मोटी हूँ। तब अगर लोग कहेंगे कि ओहो, लोग कहेंगे बचपन से अच्छा जेसिका जो थी वो मोटी थी, तब मैं दो तरीके से अपने बारे में राय बना सकती हूँ। या तो मैं कह सकती हूँ कि
प्रभु मैं मोटी हूं इसलिए लोग मुझे पसंद नहीं करते, या फिर मैं कह सकती हूँ कि प्रभु क्योंकि मैं मोटी हूँ इसलिए मैं अपने सब चीजों को इतना अच्छा कर दूंगी कि लोग मुझे पसंद करें। जहां मैं अपने आप को मोटी जानकर अपने आप को तुच्छ जानूंगी ना, मैं दूसरों के प्रति भी अति दया दिखाने लग जाऊंगी कि अच्छा आप छोटे हैं, ओहो हो, मैं आपके दर्द को समझ सकती हूँ। अच्छा अच्छा आप लंबे हैं, ओहो हो, मैं आपके दर्द को समझ सकती हूँ। अच्छा आप काले हैं, ओहो हो, मैं आपके दर्द को समझ सकती हूँ। पर जहां मैं कहने लग गई कि नहीं मैं मोटी हूं तो क्या हुआ, मैं अपने बाकी कलाओं को बहुत ज्यादा चमका दूंगी, तो मेरा दूसरों के प्रति रवैया कैसा होगा? कोई कहेगा कि बहन मेरी माँ नहीं है, तो मैं कहूंगी कि अरे माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारे पास बाप तो है, बाप नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारे पास पैसा तो है। ऐसा हमारा रवैया होता है जब हम अपने बारे में सोच को रखते हैं। इसलिए ये कहा जाता है मनुष्य को ना अपने बारे में अच्छा सोचना चाहिए ना बुरा सोचना चाहिए, मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि मैं परमेश्वर के द्वारा बनाई गई कृति हूँ। अब इसका मतलब क्या है, हम मोटे हों, पतले हों, छोटे हों, लंबे हों, काले हों, गोरे हों, हम चाहे पूरी तरह से सक्षम हों या हम विकलांग हों, हम जो भी हैं हम परमेश्वर की बेस्ट रचना हैं। और आप में से जितने जन यहाँ पर पास्टर्स हैं, आपने अपनी कलीसिया में लोगों को देखा होगा हीनता की भावना से जूझते हुए, और हम उन्हें परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहित करते हैं कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम रखता है, ये वो, हम उन्हें सब बातें बताते हैं, पर क्यों उनके जीवन में वो फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती? क्योंकि कहीं ना कहीं हम उन्हें वो बातें बताते हैं पर उन्हें अपने आप को अपनाना नहीं सिखा पाते। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन प्रभावशाली हो, और अगर हम एज पास्टर्स चाहते हैं कि हमारे कलीसिया के लोगों का जीवन प्रभावशाली हो, तो सबसे पहले उन्हें बताना होगा कि वो जो भी हैं, जैसे भी हैं, वो बेस्ट हैं और यूनिक हैं, उनके जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं। और जब किसी जन को ये बात पता चलती है ना कि मेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं, अपने आप उसकी कीमत उसकी नज़रों में बढ़ जाती है। अब मैं कहूँ ये जो फ़ोन है उस जैसा फ़ोन इस दुनिया में है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली इस फ़ोन की कीमत बढ़ गई। ये फोन की कीमत लाखों अरोड़ों अरबों खरबों जो भी होता है करोड़ों में चली गई, क्योंकि ये फोन सिर्फ इस दुनिया में एक है। हम भी इस दुनिया में एक ही हैं। और आजकल अगर आप अपने आसपास देखें, बुराई फैलने का कारण ही यही है क्योंकि लोगों के अंदर ये कंपटीशन आ गया है कि वो मुझसे बढ़िया है, उसके पास चार कपड़े हैं तो वो मुझसे अच्छा है, उसके पास रहने को अच्छा मकान है तो वो मुझसे बेहतर है। और यही इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, जलन, डिप्रेशन, सुसाइड, इन सब चीज़ों का मूल जड़ होता है। शायद आपके कलीसिया में आने वाला एक आम सदस्य, चाहे आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो, आपके घर वाले हों, आप धीरे धीरे देखेंगे कि वो या तो बिल्कुल शांत होने लग गए हैं या अपने बारे में तुच्छ जानने लग गए हैं। धीरे धीरे यही चीज़ एक विकराल निराशा का रूप ले लेता है, डिप्रेशन या फिर एंजाइटी, चिंतित होना ज्यादा, इन सब चीजों का रूप ले लेता है। तो अगर आप अपने प्रभाव को और अपने कलीसिया के मेंबर्स के प्रभाव को, अपने परिवार के प्रभाव को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज आपको जाननी है कि आप इस दुनिया में एक मास्टर पीस हैं। पर इसी में अगली चीज आती है, ये जानना कि आखिर मास्टर पीस का अर्थ क्या होता है। अब ये उदाहरण मैं हमेशा देती हूँ कि अगर मेरे बैंक में 10,000 रुपये हैं और अगर मैं उन 10,000 रुपयों के बारे में जानती ही नहीं हूँ तो मैं शायद जीवन भर एक भिखारी के तौर पर रहूँगी। मैं लोगों से भीख मांगूंगी, मैं जगह जगह जाकर कहूँगी कि प्लीज़ मेरी मदद करो क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, क्योंकि शायद मैं जानती नहीं कि मेरे बैंक में 10,000 रुपये हैं। हम मनुष्य भी कई बार ऐसा ही कुछ करते हैं, और ख़ासकर जब मैं बात कर रही हूँ अपने प्रभाव के बारे में, तो काफ़ी लोग प्रभावशाली इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वो सोचते हैं कि उनके पास कुछ नहीं है। तो इसलिए अगर आप प्रभावशाली होना चाहते हैं तो 3 ऐसी बातें मैं आज आपको बताने जा रही हूँ जो आपकी ताकत है, और अगर उन बातों को आपने जान लिया, उनको अपने ताकत करके आपने मान लिया, तो निसंदेह आप अपने जीवन में एक बड़े प्रभावशाली व्यक्ति बन पाएंगे। आपकी सबसे पहली ताकत है आपका इतिहास। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमारी ताकत है,
वो हम सब जानते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह में रहते हुए हमारी वो तीन ताकतें क्या हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। हमारा सबसे पहला ताकत है हमारा इतिहास, हमारी हिस्ट्री। अब आप में से जितने जन मुझे सुन रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि हमने अपने जीवन में तो ऐसे अच्छे काम किए नहीं। मैं अगर अपनी भी गवाही दूं तो मैंने भी बहुत झूठ बोले हैं, मैंने भी बहुत लोगों का बुरा किया है बहुत समय तक, और ऐसे हम सबके जीवन की गवाही भी रही होगी कि हम या तो किसी पाप से जूझ रहे होंगे या हमारे जीवन में ऐसा कोई परिस्थिति रहा होगा जिसके कारण हम शर्मिंदा होते हैं। पर मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे जीवन में जो कुछ भी आज तक हुआ है वो हमारी ताकत है। पूछिए कैसे? हर कोई इंसान गरीबी में रहने के बाद भी जिंदा रहने के बारे में नहीं सोच सकता। ध्यान से सोचिएगा, हर कोई व्यक्ति अपने जीवन की कमियों को जानने के बाद भी खुश नहीं रह सकता, और हर कोई व्यक्ति गिरने के बाद भी उठने की नहीं सोच सकता। तो अगर आप जिंदा हैं, अगर आप गिरने के बाद भी उठे हैं, अगर आप के कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी आज आप यहाँ हैं, तो आपका इतिहास आपकी कमजोरी नहीं है वरन आपकी ताकत है। और ये चीज आपको अपने कलीसिया के सदस्यों को भी सिखाना है कि दुनिया उनको उनके इतिहास से जानना चाहेगी। दुनिया उनको कहना चाहेगी, अरे तू तो पहले ऐसे करता था, पहले ऐसी करती थी, अरे तुम हमें मत समझाओ, हम तो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अरे भैया जानते हैं, पर ये भी जान लीजिए कि उन सब परिस्थितियों के होने के बावजूद भी हम जैवन से बढ़कर निकले हैं। और एक आम व्यक्ति और एक प्रभावशाली व्यक्ति में यही अंतर होता है कि एक आम व्यक्ति जीवन को लेकर बार 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 कुड़कुड़ाता रहता है, परेशान होता रहता है, पर एक प्रभावशाली व्यक्ति अपने हर प्रकार के परिस्थितियों को भी अपने लिए एक स्टेपिंग स्टोन करके देखता है। एक प्रभावशाली व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति के फेंके गए ताने को भी अपने लिए एक ताकत समझता है। एक प्रभावशाली व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति की ओर से दिए गए परिस्थितियों को भी अपने लिए चढ़ने वाली सीढ़ियां करके देखता है। तो आप यहाँ पर जितने पास्टर्स मौजूद हैं, मैं आपको ये प्रोत्साहित करना चाहूंगी, आप अपने कलीसिया के हर एक जन को बताएं कि वो प्रभावशाली है, वो एक आम बिलीवर नहीं है। आप में से जितने जवान मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको ये चुनौती देना चाहूंगी, आप कोई छोटा मोटा ऐरा गहरा आम व्यक्ति नहीं है। जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, आप किसी रानी एस्तर और यूसुफ से यहोशू से कम नहीं। कैसे आप इस चीज को ग्रहण कर पाएंगे? जब आप इस चीज को मान लेंगे कि जो भी आपके इतिहास में हुआ वो आपकी कमजोरी नहीं वरन वो आपकी ताकत है। अब यहां पर मैं ये भी आपको बताना चाहूंगी, आप अपने इतिहास को अपनी ताकत करके देखें पर अपने इतिहास को अपनी परिभाषा करके नहीं। जब मैं इतिहास शब्द का इस्तेमाल करती हूँ तो मैं इस चीज को कहना चाह रही हूँ कि आपकी जो हिस्ट्री है, जो आपके आज तक आपके जीवन में हुआ है, आप उसे अपनी ताकत करके देखें पर उसे अपनी परिभाषा करके ना देखें। क्योंकि अगर मैं अपने इतिहास को अपनी परिभाषा बनाने लग गई तो मैं उससे आगे कभी जा ही नहीं पाऊंगी। अगर दुनिया ने आज तक मुझे एक चोर करके जाना है और अगर मैं उसको अपनी परिभाषा करके ग्रहण कर लूं कि हाँ मैं तो चोर थी, मैं तो चोर ही रहूंगी, ना 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 ना, फिर गड़बड़ है। पर अगर आप कहें कि हाँ मैं पहले चोर थी, मैंने गलतियां करी, मैंने पाप किए, लेकिन अब मैं उनसे ऊपर उठ चुकी हूं, अब मैं जैवन से भी अधिक बढ़कर हूं, तो वो आपकी ताकत बन जाता है। आज बहुत से जवान प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा आईना है जो उनकी गलतियां उन्हें दिखाता है और उन्हें नीचा दिखाता है। नहीं नहीं नहीं, प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा आईना है जवानों के लिए जो जवानों को उनकी गलतियां दिखाता है और कहता है कि इन गलतियों के बाद भी मैं तुमसे प्रेम करता हूं। यीशु मसीह एक ऐसा आईना है जो कलीसिया के हर एक सदस्य को कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखाना चाहता हूं ताकि तुम अपने आप को स्वीकारो और उसके बाद जैवन से भी अधिक बढ़कर प्रभावशाली बनो। तो शैतान आज बहुत कोशिश करेगा ये दिखाने की कि नहीं नहीं मसीहत तो सिर्फ पवित्र लोगों के लिए है,
जो गलतियां करते हैं वो तो नरक जाते हैं, समझने की जरूरत है। जो गलती करने के बाद माफी मांगते हैं उनके लिए उद्धार है, जो गलती करने के बाद उससे उभर कर आगे बढ़ने के लिए तैयार है उनके लिए उद्धार है, उनके लिए एक सेकेंड चांस है। पर जो चाहते हैं कि भैया मैं गलतियों में ही पढ़ा रहा हूँ, गलतियों में ही पढ़ा रहा हूँ, तो फिर तो आप खुद सोचिए। ये तो यही बात हो गई कि अगर आप एक सुअर को बार बार नहलाएंगे तो सुअर बड़ा खुश हो गए बैठ जाएगा, टाई वाई लगाएगा, बड़ा महंगा डिओड्रेंट लगाएगा, फेयर एंड लवली लगाएगा, पर बाद में सुअर क्या करेगा, उसको 3 दिन महल में रखिए, 4th दिन सूंघेगा करके जाएगा और कीचड़ ढूंढेगा। पर एक बेस्ट बात बताऊं, ऐसे कीचड़ में से भी निकलना लोगों के हाथ में एक चुनाव होता है। हम अपने इतिहास के द्वारा अपनी पहचान को ना बनाएं, पर अपने इतिहास को अपनी कमजोरी भी ना समझें। और क्यों मैं सबसे ज्यादा इस चीज पर प्रभाव डाल रही हूँ, आप में से जितने भी जन है, मैं जानती हूँ यहाँ पे सीनियर मोस्ट लीडर्स भी हैं। मैं बार बार क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब मैं सीनियर मोस्ट लीडर्स कहती हूँ तो आप यहाँ पर हैं ताकि आप सीखकर दूसरों को सिखाएं, और बाकी जो है वो खुद भी सीख रहे हैं और वो इन फ्यूचर दूसरों को भी सिखाएंगे। कई बार हम बहुत आगे निकल जाते हैं पर कहीं ना कहीं हम अपने इतिहास का दर्द अपने अंदर पकड़ के बैठे होते हैं। इसलिए हम जितना भी आगे निकल जाए ना, वो दर्द हमें पूर्ण पोटेंशियल, पूर्ण हमारी शक्ति तक पहुंचने नहीं देता। तो मानो प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम एक यूथ लीडर बने, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम एक सक्सेसफुल पास्टर बने, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम अपने क्षेत्र में नंबर वन रहें, पर हम अपने बारे में इतना तुच्छ सोच चुके होते हैं कि हम कहते हैं ना 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 ना, हमसे ना हो पाएगा। क्योंकि हम कहते हैं अरे पहले ऐसा हुआ था ना, अगर ईश्वर चाहता तो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता। आपको इस बात को जानने की जरूरत है कि आपका इतिहास प्रभु के हाथ में था, है, और आप आज भी प्रभु के हाथ में हैं और आगे भी रहेंगे। दूसरी चीज, आप प्रभावशाली कैसे बन सकते हैं? जब आप अपनी जगह को अपनी रुकावट का कारण ना समझें और आप अपनी जगह को अपना थ्राइविंग ग्राउंड समझें। अब थ्राइविंग ग्राउंड क्या होता है वो मैं आपको विस्तार से समझाना चाहूंगी। अक्सर हम लोग इस बात से कुड़कुड़ाते हैं कि काश मैं भारत में पैदा ना होती। इतना ही नहीं, जिन लोगों का नेटवर्क खराब है वो तो कोविड के समय में बड़ा कोस रहे थे कि छी अच्छा होता हम लोग दिल्ली में होते, ऐसी जगहों में होते जहाँ पे नेटवर्क अच्छा है, कम से कम एग्जाम में फेल तो नहीं होते। हम चीजों के लिए अक्सर बहुत कोसते हैं अपने बनाने वाले को और अपने परिवार को, पर मैं आपको बताना चाहूंगी, यू आर परफेक्टली प्लेस्ड। आप जहां भी हैं आप बहुत ही निपुणता के साथ, बहुत ही कहते हैं ना कि परफेक्शन के साथ, पूर्ण संपूर्ण परफेक्शन कह लीजिए, या फिर परफेक्शन का हिंदी कोई मुझे बताएगा, वो शब्द मेरे मुंह में आ नहीं रहा है, परफेक्शन का हिंदी माइक खोल के बता सकते हैं कोई? सिद्धता। आपको जहां रखा गया है आप सिद्धता के साथ रखे गए हैं। ये सब हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच पर निर्भर रहता है। ये आपने बहुत बड़ा उदाहरण सुना होगा कि एक ग्लास में आधा पानी है तो कोई कहता है कि छी आधा ही पानी भरा है, तो कोई कहता है वाओ आधा पानी भरा है। नकारात्मक और सकारात्मक सोच, हम अपनी जगह को लेकर भी इस चीज को देख सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मसीहों में भी इंजीनियर, साइंटिस्ट, प्राइम मिनिस्टर्स, डॉक्टर्स और क्या क्या ना करने वाले लोग पाए जाते हैं। कैसे बनता है कोई इंजीनियर, कैसे बनता है कोई बिल्कुल ही सिद्ध व्यक्ति? जब वो अपनी परिस्थितियों को जानकर उन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए बहानों को नहीं ढूंढता पर उन परिस्थितियों पर भी विजय पाने के लिए तरीकों को निकालता है। आपने जरूर थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सुना होगा, जिसने थॉमस एल्वा एडिसन और हम में क्या अंतर है। थॉमस एल्वा एडिसन ने अपनी आसपास की समस्या, जिसे अंधकार कहते हैं, जानकर एक बल्ब बनाने का निर्णय को लिया। पर आपको पता है इससे पहले वो सक्सेसफुल होता वो 999 बार फेल हुआ। अब जरा अपने बारे में सोचिए, हम 3 बार फेल हो जाते हैं तो हमारा सांस सूख जाता है। 3 बार किसी एक चीज में फेल हो गए, लगता है प्रभु ने ये चीज मेरे लिए बनाई नहीं है, लगता है ऊपर वाला मुझे निर्देशन दे रहा है कि ये चीज मेरे लिए है नहीं,
और हम भूल गए कि जितनी ताकत से प्रभु हमारे ऊपर निवेश करता है उतनी ताकत शैतान भी हमारे ऊपर लगाते हैं। अगर आप अपनी परिस्थिति को देखकर, अपने आसपास की जगह को देखकर जानते हैं कि वहां उस चीज की जरूरत है, तो आप डटे रहिए, क्योंकि वो जरूरत आपके द्वारा ही पूरी होगी। बहुत से लोग कहते हैं कि काश हम गांव में ना पैदा होते, बहुत लोग कहते हैं कि काश हम अमीरों के घर में पैदा होते। जिसको सब कुछ पका पकाया मिलता है ना, मैं आपको अपने जीवन से उदाहरण देना चाहूंगी, जिसको सब कुछ पका पकाया मिलता है ना, उसकी इतनी सी सीमित सोच रहती है, पर जो कठिनाइयों में से बढ़कर आगे निकलता है ना, वो जंजीरें तोड़ना जानता है, और वो जो सोच रखता है वो सोच उसे सबसे अलग बनाती है। तो अगर आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, अगर आप अपने परिस्थितियों से ना खुश हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह हैं, क्योंकि आप जो डिसीजन लेंगे, आप जो निर्णय लेंगे, ऐसा कोई भी नहीं ले पाएगा। तो सबसे पहले मैंने कहा कि आप अपने इतिहास को अपनी कमजोरी करके ना जाने। फिर मैंने आपसे कहा कि जिस जगह आप हैं, आप अपनी जगह को अपनी कमजोरी करके ना जाने, क्योंकि आप अपनी जगह के लिए नमक और ज्योति हैं। अब ये सिर्फ मैं बाइबल का उदाहरण आपको नहीं दे रही हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल बता रही हूँ। आपके क्षेत्र में जो किसी ने नहीं किया वो आपके द्वारा होगा, और इसलिए आप उस क्षेत्र के लिए नमक और ज्योति हैं। आपके क्षेत्र में आज तक शायद कोई डॉक्टर नहीं होगा और आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप उस जगह के लिए नमक और ज्योति हैं। शायद आपके क्षेत्र में आज तक कोई पास्टर नहीं होगा, कोई बिशप नहीं होगा, या फिर कोई इवेंजलिस्ट नहीं होगा, या फिर कोई वक्ता नहीं होगा, कोई राजनीतिक नेता नहीं होगा, आप वो हैं। आप अपने क्षेत्र की उस परेशानी के प्रार्थना का उत्तर है, आप अपने पूर्वजों की प्रार्थना का उत्तर है। और जब आप अपने आप को इस तरीके से सोचने लग जाएंगे, जब आपके कलीसिया का हर एक व्यक्ति इस तरीके से अपने बारे में सोचने लग जाएगा, आप यकीन मानिए, हर एक जन आपकी कलीसिया का, और हम में से जो 79 जन आज यहाँ बैठे हैं ना, हम में से हर एक जन किसी क्रांतिकारी से कम नहीं होगा। आपको पता है 79 जनों की ताकत क्या होती है? 11 जन की तो एक क्रिकेट टीम बन जाती है, थोड़े और जन मिला दीजिए तो एक फुटबॉल टीम बन जाती है, थोड़े और टीम बना दीजिए तो एक देश को चलाने वाला एक राजनेताओं का झुंड बन जाता है। इसी नंबर को 4 बार गुणा कर दीजिए तो एक पूरा पूरा गांव जिला बन जाता है। और आप में से हर एक जन अब अपने प्रभाव के बारे में सोचिए। आप हर रोज कम से कम 10 जनों से तो मिलते होंगे, आपके कम से कम व्हाट्सएप में ही 500 से ज्यादा दोस्त होंगे। आप अगर पास्टर हैं तो आपके कलीसिया में ही कम से कम 200-300 लोग तो आते होंगे। यहाँ जो 79 या 80 जन बैठे हैं ना, इस जून में ही 80,000 से ज्यादा लोगों को प्रभाव देने वाले 80 जन बैठे हैं। 80,000 से ज्यादा लोगों पर प्रभाव देने वाले 80 जन यहाँ बैठे हैं। और हम कहते हैं कि हम देश नहीं बदल सकते, हम कहते हैं कि हम बदलाव नहीं ला सकते। नमक और ज्योति का काम ही यही है। नमक क्या करते हैं? नमक बेस्वादगी में स्वाद लाता है। नमक अपने आप में अगर ज्यादा डल जाए तो भी बर्बाद कर देता है, पर अगर आप नमक की खासियत देखेंगे ना, नमक जिस खाने में डल जाता है वो उस खाने के बाकी मसालों का भी स्वाद उभार कर लाता है। तो चिकन करी में चिकन मसाले का तब तक मजा नहीं आएगा जब तक उसमें नमक ना हो। अब जितने लोगों को बीपी है वो लोग कहेंगे, अरे सिस्टर हमारे लिए तो नमक जहर है। तो मैं आपको बता दूं, आपके अंदर भी थोड़े नमक की मात्रा है, जिसे आयोडीन कहते हैं, और वो सभी के बॉडी के लिए जरूरी है। तो नमक जो है, आप नमक है और नमक बहुत जरूरी है। खाने के लिए नमक जरूरी है, सड़ाहट से बचने के लिए नमक जरूरी है। अब जितने लोग हमारे साथ हमारे उस 15 महीने के प्रशिक्षण में एज मास्टर ट्रेनर्स जुड़ने जा रहे हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को सड़ाहट से ईश्वरीय स्वभाव में लाना। आप अपने क्षेत्र में नमक कैसे बनेंगे? वो जो फैलती हुई सड़ाहट है ना, फैलता हुआ बलात्कार, फैलती हुई चोरियां, फैलता हुआ भ्रष्टाचार, फैलता हुआ गंदगी, फैलती हुई बुरी सोच, फैलती हुई गंदी नजर, आप वचन के माध्यम से मानो उन सब गंदी सोच, गंदे पुराने सड़े हुए रीतियों पर नमक डालेंगे। आप सड़ाहट की प्रक्रिया को रोकने जा रहे हैं। और नमक जो है, गलत इंसान को और अगर गलत घाव पर लग जाए तो जलता भी बहुत है। तो बहुत से लोगों को आपसे जलन भी होने वाली है, बहुत से लोग आपका विरोध भी करने वाले हैं,
पर आप नमक हैं तो अपना स्वाद आप कम मत होने लीजिएगा। और यहाँ पर बाइबल की शिक्षा आप जानते हैं कि अगर नमक ही अपना स्वाद खो दें तो फिर उसे किस चीज से नमकीन किया जाता है, ये तो आज तक वैज्ञानिक भी पता नहीं कर पाए। वैज्ञानिक ये पता कर पाए हैं कि पानी का अगर H2O और O2 के मॉलिक्यूल को अलग करके जोड़ दिया जाए तो पानी बन जाएगी, पर वो ये नहीं पता कर पाए कि अगर नमक का स्वाद चला जाए तो फिर उसे नमकीन कैसे किया जा सकता है। तो आप वो नमक हैं, फिर जैसे मैंने कहा कि आप वो ज्योति हैं, ज्योति का मजा तब नहीं आता जब आसपास बहुत सारी लाइट हो। अब आप बताइए, मेरे सामने एक लाइट है, मेरे इधर एक लाइट है, मेरे उधर एक लाइट है, बहुत ज्योति है। फर्क तब पता चलेगा जब सारी लाइट बंद हो जाए, मैं नजर ना हूं, तब अचानक से एक लाइट मानो मेरे चेहरे पर रोशनी डाल के दुनिया के सामने मेरा चेहरा ले आए। हम अपने क्षेत्रों के लिए वो लाइट है। हमारी जगह में बहुत दिक्कत होगी, हम बड़े परेशान होंगे कि हम भारत जैसी जगह में, हम बड़े परेशान होंगे कि हम ऐसी जगह में है जहाँ रहने को जगह नहीं, खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी नहीं, पढ़ने को शिक्षा नहीं। तो आप वहां क्यों हैं? आप वहां क्रांति लाने के लिए हैं, आप वहां बदलाव लाने के लिए हैं। ज्योति की खूबसूरती देखिए, और अगर आपने ये बात को समझ लिया तो आप जैसा प्रभावशाली व्यक्ति फिर कहीं होगा ही नहीं। सभी जन ध्यान से सुनिएगा, अक्सर इंसान प्रभावशाली क्यों होना चाहता है? अगर मैं सबके सामने बोल रही हूँ तो बड़ा मन होता होगा ना कि अरे लोग जेसिका को जाने, आहा, अगर मैं सामने हूँ तो मैं चाहूंगी कि लोग जेसिका की प्रशंसा करें, लोग चाहें कि अरे, और फिर जब मैं यहां से जाऊं तो लोग बोले वाह जेसिका बहन आपने क्या किया। पर फिर मैं ज्योति का काम नहीं कर रही। आप में से कौन ऐसा है जो लाइट खोल के लाइट की तरफ देखता है? मेरी तो आंखों में लग गया लाइट, कोई बताएगा मुझे? आप में से कौन ऐसा है जो लाइट खोल के लाइट की तरफ देखता है कि आइए हम लाइट देखें? कोई लाइट को नहीं देखता ना। पर लाइट की खूबसूरती ये है कि जब लाइट जलती है ना तो हम लाइट को नहीं देखते, पर लाइट के कारण हम अपने आसपास की चीजों को देख पाते हैं। मसीह जीवन की खूबसूरती यह है कि हम ज्योति हैं और हम ये नहीं चाहेंगे कि लोग हमारी तरफ देखें। अगर हम अपनी महिमा के लिए जीने लग गए ना तो फिर हम लाइट नहीं है, फिर हम ट्यूबलाइट है। ट्यूबलाइट जानते ना, जलता है टक 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 टक, फिर बार बार बदलते रह परेशान कर देता है, फिर टंग 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 टंग, बंद बुझ यही होता रहता है उसके साथ। हमें ट्यूबलाइट नहीं बनना, हमें लाइट बनना है। और इसका मतलब ये है कि मेरे प्रिय 70 से ज्यादा यहाँ पर उपस्थित भाइयों और बहनों, जब आप किसी का भला करने जाएंगे लोग आपको नहीं देखेंगे, जब आप बदलाव लाने जाएंगे तो लोग आपका नाम तक याद नहीं रखेंगे, पर आप याद किए जाएंगे आपके द्वारा लाए गए बदलाव में। आप जो अपने आसपास बदलाव लाएंगे ना, लोग आपको उससे जानेंगे। क्या मिलेगा अगर 2 क्लासेस के बाद लोग कहें वाह सिस्टर जेसिका आज नाम याद रखेंगे, कल बोलेंगे हाँ वो एक मोटी सी लड़की थी, वो पढ़ा रही थी, हो गया ना टाइट हाइपिस। पर कितना अच्छा रहेगा अगर मेरी बातें जो कही गई हैं वो दूसरे जन जाकर अपने यहाँ पर लोगों को सिखाएं, तो मैं रहूँ ना रहूँ मेरा प्रभाव जीवन भर रहेगा। तो अगली बार जब आप अपने प्रभाव के बारे में सोचें तो जरूर रात के समय अपने कमरे में लाइट को खोल के बैठिएगा, और याद करिएगा कि आप लाइट को नहीं देखते पर आप लाइट के कारण बाकी चीजों को देखते हैं। आप अपने समाज में वो लाइट हैं जिसके कारण लोग देख पाएंगे कि समाज में कितनी गंदगी है। आज लोग गाना गाते हैं जीने के हैं 4 दिन बाकी हैं बेकार दिन, वो अंधे हैं, वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि एक शैतान है जो ये कहना चाहता है कि तुम पैदा ही गलत हुए थे। एक शैतान है जो कहता है कि अरे तेरी जिंदगी में इतनी समस्याएं हैं तो इनसे उभर जा, यही काफी होगा। शैतान हमें कोल्हू का बैल बना देता है, पहले कहता है पढ़ो, फिर कहता है पैसा कमाओ, फिर कहता है शादी करो, फिर कहता है बच्चे पैदा करो, फिर कहता है घर चलाओ, और इंसान यही करते 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 मर जाता है, फिर कहता है खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले गए। अगर आपके पास समय हो तो जरूर आप नेट पे सर्च करें मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। अभी ये इंग्लिश में है, पर अगर आप इसके बारे में हिंदी में भी देखना चाहेंगे तो आप जरूर हिंदी में भी ढूंढ सकते हैं, मैं आपके लिए चैट बॉक्स में डाल रही हूँ, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। स्पेलिंग में अगर आप ऊपर नीचे भी डाल देंगे तो चलेगा, हायरार्की का जल्दीबाजी में गलत स्पेलिंग लिखा है, इसको सर्च करिएगा। इसमें आप देखेंगे कि मनुष्य अपने पूर्ण
कहते हैं ना कि इम्पैक्ट यानी प्रभाव तक क्यों नहीं पहुंच पाता, क्योंकि मनुष्य अपने चक्र में फंस जाता है। मनुष्य का पहला, सबसे पहला जो नीड है वो है रोटी कपड़ा मकान, फिर है प्रेम, फिर है सुरक्षा, फिर है पहचान, और आखिरी में है पूर्ण सिद्धता से अपने बारे में जानना। और अगर आप मसीह जीवन में भी देखें तो मनोविज्ञान और मसीह जीवन में ये समानता है कि मसीह जीवन भी ये कहता है कि अपने तक मत सोचो, अपने परिवार के बारे में ही मत सोचते रहो, मैं क्या खाऊंगा पीऊंगा वो मत सोचो, मुझसे कौन प्यार करेगा नहीं करेगा वो मत सोचो, ये सोचो कि प्रभु ने मुझे क्यों बनाया है। और जब आप वहां आ जाएंगे फिर आपको बाकी सब चीजों का अर्थ समझ आने लग जाएगा। तो जरूर इसके बारे में देखिएगा और चेक करिएगा कि हमारा प्रभाव कितने हद तक रुका रहता है, क्योंकि हम अपने ही नीड्स के चक्रों में, अपने ही जरूरतों के चक्रों में फंस जाते हैं। और आखिरी चीज जो मैं आपके सामने बांटना चाहूंगी, जैसा मैंने कहा कि हमारा इतिहास हमारी ताकत है, हम जिस जगह में है वो हमारी ताकत है, क्योंकि हम अपनी जगह में पहला नमक और ज्योति बनने जा रहे हैं। अब हम प्रभावशाली कैसे हो सकते हैं? हमारे जो वरदान है और हमारा जो परिवार है वो भी हमारी ताकत है। आपको पता है हम सब किसी की ओर अपनी नजर को उठाते हैं। अगर हम क्रिकेट का नाम ले तो हम कहते हैं सचिन तेंदुलकर, एक्टिंग का नाम कहते हैं तो हम कहते हैं शाहरुख खान, दया का नाम कहते हैं तो हम कहते हैं मदर टेरेसा, अगर हम कहते हैं कि समझदारी तो हम कहते हैं, हम अलग अलग नामों को लेते हैं। बट हम कभी ये नहीं सोचते कि जो 24 घंटे उनके पास थे वही 24 घंटे हमारे पास भी है। और जितने कलीसिया के अगुवे यहाँ पर हैं, आप अगर अपने कलीसिया के जवानों को, महिलाओं को, पुरुष को ये बताएंगे कि उनके पास भी उतना ही समय है जितना बाकियों के पास है, उनके पास भी उतने ही जो सुविधाएं हैं जो बाकियों के पास है, वो अपने बारे में ये सोचने लग जाएंगे कि वो भी एक श्रेष्ठ कृति है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तू कब रानी एस्तर को दोबारा भेजेगा, हम गाना गाते हैं फिर से वो आग बरसा दे, प्रभु क्रांति ला क्रांति ला। प्रभु को भी तो चाहिए ना हाथ और पैर, आप हैं प्रभु के हाथ और पैर। तोड़ीसा, धनपोरा, देहरादून, जगदलपुर, इधर उधर जहां से भी आप हैं, आप अपने क्षेत्रों में यीशु मसीह के हाथ पैर हैं। पर इतना ही नहीं, जहां पर आप हैं लोग आपके द्वारा यीशु मसीह को जानते हैं। आपको पता है जब यूहन्ना उसका 14:10 ये कहता है ना, और यदि तुम मुझ पर विश्वास रखोगे तो जो मैं करता हूं उतने ही नहीं पर मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, तो वो सच है। ये है यीशु मसीह के ज्योति होने का एक प्रमाण। यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे जैसे भी काम कर सकते हो और मुझसे बड़े काम भी कर सकते हो। पर हम क्यों नहीं यीशु मसीह जैसे काम भी कर पाते? क्योंकि हम दुनिया की दृष्टिकोण से एक दूसरे को देखते हैं, हम दुनिया की दृष्टिकोण के अनुसार अपने सफलता को देखते हैं। क्यों ना प्रभु के नजर से अपनी सफलता को देखें। आपके जो वरदान है, आपके जो गुण है, वो आपको ऐसे ही नहीं दिए गए, आपको आपके लिए द बेस्ट वरदान दिए गए हैं। आपको पता है अगर मैं गीत गाती हूं तो मुझे सिर्फ संडे को आराधना में ये सोच कर नहीं गाना चाहिए कि प्रभु का नन्हा, नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे गाइए तो ऐसा गाइए कि मनुष्य के लिए नहीं प्रभु के लिए गा रहे, फिर आप देखिएगा लोग आपको लता मंगेशकर के जैसे क्यों ना कहें। फिर अगर आप प्रचार करते हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं कि संडे को फटाफट बाइबल खोल के, अरे यार ये इस संडे भी प्रचार करना है, अच्छा प्रभु तू वचन दे आमीन, हाँ फिर जो वचन निकला वही पढ़ा दिया। धन्य है यहोवा परमेश्वर जो इसराइल का परमेश्वर है, आश्चर्यकर्म केवल वही करता है। प्रभु इस हफ्ते तूने आश्चर्यकर्म के बारे में मुझे बोलने का, फिर वो कलीसिया आश्चर्यकर्मों पर जीती रहती है। और कहां रहा ईश्वरीय स्वभाव, कहां रहा अच्छा चरित्र? या फिर खोला प्रभु इस संडे तू वचन दे दे, ओहो उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी है, ये अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए, फिर पूरे 2 महीने पुरुष स्त्री को ना छुए। मतलब हम बिना बाइबल स्टडी खुद किए कई बार अपने दिए गए वरदानों और जिम्मेवारी को मजाक में ले लेते हैं, और उसका असर क्या होता है, हम 0 प्रभावशाली होते हैं। हर एक चीज करने से पहले 100 बार सोचिए, हर एक चीज करने से पहले अभ्यास करते रहिए, और ऐसा करिए कि आप 2 मिनट अपना मुंह खोलें
उस 2 मिनट में भी लाख लोग अपने आपके जीवन के बारे में जानते हैं। और इसलिए यीशु मसीह का जीवन प्रभावशाली था। 33.5 साल के जीवन में 30 साल तो वो प्रभु के साथ के रिश्ते पर ही फोकस करते रहे, तैयारी का वर्ष, और उसके बाद जाकर वो 3.5 साल की सेवा करी जो अफसोस भारत में पिछले 2000 सालों में भी नहीं हो पाया। इसलिए आपकी कलाएं स्पेशल है, और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ बहुत ही टैलेंटेड लोग हमारे बीच में हैं। सिस्टर शिरीन हैं, पास्टर सैमुअल जी हैं, पुरन जी हैं, और अलग अलग जन मैं अलग अलग नाम पढ़ पा रही हूँ, हरीश जी हैं, विवेक जी हैं, अमित जी हैं, जॉन जीवन जी हैं, सब अलग अलग जी, राजेश आविल जी हैं, हमारे कितने ऑलरेडी प्रसिद्ध लोग हैं जो अपने आप को जानकर, अपने जीवन को पहचान कर उसके आधार पर काम कर पा रहे हैं। सिस्टर करिश्मा हैं, आराधना हैं, कितने कितने लोग हैं, कितने जन हैं जो प्रभावशाली जीवन को जी पा रहे हैं। पर आप भी अपने लिए सोचिए कि आप जैसा कोई नहीं। कई बार आप सोचते होंगे ना कि अरे ये इस जगह में मुझे क्यों रखा है, ये वरदान मेरे पास क्यों। वो वरदान आपको दिए गए ताकि आप सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल में जाएं। एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगी और फिर हम लोग आखिरी पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। वो छोटा सा उदाहरण ये है कि एक बार मैं चेन्नई गई थी और वहां पर एक चर्च है जिसको 200 साल हो चुके हैं, बाई सेंटेनरी ईयर अपना वो कलीसिया पूरा कर चुका है, और ये मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है। और वहां पर मैं उनके सीनियर पास्टर से मिली, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं उनके सीनियर पास्टर से मिली और वो सिर्फ 32 या 35 साल के थे, और मैंने उन्हें देखा और मेरे मन में आम सवाल आया, ये सीनियर पास्टर हैं, ये सीनियर कैसे हुए। तब उन्होंने अपनी गवाही को दिया कि उन्होंने अपने जीवन के महत्व को जाना। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो अपनी छोटी सी कलीसिया, उनके 15-20 जनों का झुंड था, वो उसमें प्रचार करते थे, और हर प्रचार से पहले एक एक हफ्ता प्रार्थना लगाना, 2-2 दिन का फास्टिंग प्रेयर रखना और फिर प्रचार करना, वो अपने 10 मिनट के प्रचार के लिए भी पूरे पूरे हफ्ते प्रार्थना करते थे। 15 लोगों से शुरू हुआ और एक दिन ऐसा हुआ कि किसी ना किसी ने इनका प्रचार सुना और जाकर वो जो 200 साल पुरानी कलीसिया है और जो कि मेन लाइन चर्च है, वहां पर जाकर बता दिया कि ये एक पास्टर है और इनका प्रचार बड़ा प्रभावशाली है, लोग इनके 15 मिनट के प्रचार में अपना जीवन दे देते हैं प्रभु को, नया दर्शन मिल जाता है उन लोगों को। अब ऐसा हुआ तो वो जो बाई सेंटेनरी चर्च था वहां पर इनको बुलाया गया मुख्य वक्ता करके। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, और ये हर फील्ड में आज भी होता है, वो मुख्य वक्ता बनकर वहां पर गए, उनको सिर्फ 15 मिनट बोलना था। उस 15 मिनट के लिए उन्होंने 2 महीना प्रार्थना पूर्वक तैयारी की। ये उनके सेवा के प्रति खराई को दिखाता है, परमेश्वर के प्रति ईमानदारी को दिखाता है। पर आप यकीन नहीं मानेंगे, जब वो उस चर्च में गए, 15 मिनट का सर्मन, और उसके बाद वहां पर सब लोगों ने अपनी लाइफ को रिकमिट किया, फिर से प्रभु को अपने जीवन को दिया। इतना ही नहीं, उसी साल वहां पर वो लोग पता चला कि एक जूनियर पास्टर को ढूंढ रहे थे, एसोसिएट पास्टर को ढूंढ रहे थे, और ये चीज इन्हें नहीं पता थी। अब जरा इस बात को सुनिएगा, अगर इस पास्टर को पता होता कि अरे यहाँ पर एसोसिएट पास्टर का पदवी खाली है और मुझे 15 मिनट बोलने को मिल रहा है, चलो मैं ज्योति बन जाता हूं, ऐसा प्रचार करूंगा कि आग लग जाएगा। अगर वो दिखाने के लिए करता ना, तो वही वाली बात हो जाती, वो ऐसा ज्योति बनता जो चाहता कि मैं सबको दिखूं। पर उसने ऐसा नहीं सोचा, वो ईमानदारी से अपने 15 मिनट का इस्तेमाल किया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, वहां के जो सीनियर मोस्ट कॉन्ग्रीगेशन के एल्डर्स थे, डीकन से, उन्होंने इस बात को कहा, क्यों ना हम इस व्यक्ति को अपने चर्च का एसोसिएट पास्टर बनाए। जब वो एसोसिएट पास्टर बने तब वो 32 साल के थे, और उसी साल ऐसा हुआ कि किसी कारणवश उनके जो सीनियर पास्टर थे उनका ट्रांसफर हो गया, और ये जो जन है उस कलीसिया की 220 साल गिरा जो कि किसी महासम्मेलन और शादी से कम नहीं था, वो उस सभा में डिक्लेयर किए गए थे एज सीनियर पास्टर। 32 साल का व्यक्ति सीनियर पास्टर मेन लाइन चर्च में, सिर्फ इसलिए किसी ने उनकी डिग्री,
नौकरी छोकरी कुछ नहीं देखा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर के सामने ईमानदार थे, और वो प्रभावशाली इसलिए थे क्योंकि उन्होंने कुलुसियों 3:23 के अनुसार इस बात को माना कि मैं मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं वरन परमेश्वर ही की महिमा के लिए अपने काम को करता हूं। आप सच में नहीं जानते परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है। मैं मेरे जीवन में इस बात को कह सकती हूँ, आज मैं एक इंटरनेशनल फर्म में, मैं अगर आपको बताऊं मैं सिर्फ 23 साल की हूँ, मैं एक इंटरनेशनल फर्म में आज एक सीनियर लीडर हूँ, मैं एक टीम में लीडरशिप ले रही हूँ, और वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं एक बहुत जाने पहचाने पिता की बेटी हूँ या दादा की पोती हूँ, क्योंकि ऐसे कितने जन होते हैं जो कितनों के परपोते परपोतियां होते हैं पर वो नहीं कर पाते कुछ। पर मैं आज इस चीज़ को जानती हूँ कि मैं अगर दूसरों पर प्रभाव डाल पा रही हूँ तो उसका एक ही कारण है, मैं बस प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि मैं मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं परंतु तुझे प्रसन्न करने के लिए अपना जीवन जीऊँ। आपको पता है मैंने अपने जीवन के लिए क्या चैलेंज रखा है? प्रभु तू मुझसे वो काम कराएगा जो लोग 50-50 साल के उम्र में नहीं कर पाते। और ये मैं क्यों कहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि प्रभु के सामने उम्र कोई सीमा नहीं होती, अनुभव कोई सीमा नहीं होता। और अगर यहाँ पर जितनी बहनें मुझे सुन रही हैं, प्रभु के सामने लिंग भी कोई सीमा नहीं होती। The only boundary is here. सबसे बड़ा जो बंदिश है वो यहाँ है, और सबसे बड़ी आजादी भी यहाँ है। सोचने वाला सोच सकता है अरे मैं तो एक गांव में हूं, और सोचने वाला सोच सकता है अरे मैं एक गांव में हूं, अगर यहां मैं छींक भी दूंगा तो भी उसकी आवाज दूर तक जाएगी। कहने वाला कह सकता है मैं गांव में हूं तो मुझे मौका नहीं मिलेगा, पर कोई कह सकता है मैं गांव में हूं, मैं अपने लिए खुद मौका तैयार करूंगा। इट इज ऑल इन द माइंड। और जो बेस्ट चीज है, आप अपने बारे में जानिए, हर रोज अपने बारे में सोचिए आपकी ताकतें क्या हैं। परमेश्वर ने आपको एवे ही नहीं बना दिया। सब लोग ऐसे करिए, एवे ही नहीं बना दिया, माइक बंद करिए। हाँ, प्रभु ने आपको एवे ही नहीं बना दिया, इसका मतलब यह प्रभु ने आपको फालतू में नहीं बनाया, प्रभु ने आपको सोच समझ के बनाया है। और अगर आपको सोच समझ के बनाया है ना, तो आपको अब जरूरत है कि आप भी अपने जीवन के बारे में सोचें और दूसरों के जीवन में दूसरों को सोचने का मौका दें। मैं स्क्रीन पे देख पा रही हूँ विवेक दान जी को, मैं देख पा रही हूँ तल्लू निकोलस जी को, मैं देख पा रही हूँ सिस्टर करिश्मा को, मैं हनी और प्रथम फ्रांसिस जी को देख पा रही हूँ, मैं सुमन जी को देख पा रही हूँ, मैं स्क्रीन में बहुत लोगों को देख पा रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ मैथ्यू जी को, मैं आशीष विश्वकर्मा जी को देख पा रही हूँ। आप कहाँ कहाँ बैठे हैं, आप किस किस जगह बैठकर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, मैं वो देख पा रही हूँ। पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आप वहां बैठे हैं ना, तो दिल से मानिए आप वहां पर लाख लोगों को खड़ा करने के लिए बैठे हैं। आप अपने जीवन में कुछ ऐसा करिए कि आप वो लाइट ना बने, वो ट्यूबलाइट ना बने जिसको मुड़ मुड़ के देखना पड़ता है। ये भी खासियत देखिएगा, चलिए मैं आपको दिखाई देती हूँ। ये एक लाइट दिख रहा है आपको, इधर कैसे नजर आएगा, बहुत रोशनी है। ये मैं एक लाइट दिखा रही हूँ आपको, मुझे इस लाइट की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये अपना काम खूबसूरती से कर रहा है, पर इसी के बदले मेरे सामने एक ट्यूबलाइट है, हर दो दो मिनट में मुड़ के देखना पड़ता है क्योंकि अचानक से टप 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 फिर टप 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 टप, फायदा कुछ नहीं है, कल को तो मैं निकाल के फेंक दूंगी उसे। हमें ऐसा नहीं बनना है कि लोग हमें देखें, हमें ऐसा बनना है कि हम अपना प्रभाव डालते रहें और लोग हमारे जीवन के द्वारा प्रभु को देखें। और आखिरी चीज कहकर मैं अंत करना चाहूंगी, प्रभावशाली व्यक्ति कभी भी अपने बलबूते पर प्रभावशाली नहीं बनता, क्योंकि ऐसे तो लाखों लोग लाखों डिग्रियां ले लेते हैं फिर भी उनकी कोई नहीं सुनता। प्रभावशाली व्यक्ति केवल और केवल प्रभु के अनुग्रह से ही बनते हैं, और ये प्रभु का अनुग्रह ही है जो एक अनपढ़ को, पढ़े लिखों को कहते हैं ना कि नीचा दिखाने की भी योग्य कर देता है। ये एक प्रभु ही है जो एक नाकामयाब व्यक्ति को कामयाबी वाले व्यक्तियों का भी बाप बना देता है, और ये एक प्रभु ही है जो उम्र, लिंग और इन सब छोटी मोटी बातों से उठकर हमें प्रभावशाली बनाते हैं। तो आप में से जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, आप अभी से प्रभु से प्रार्थना करना शुरू करिए, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है। और प्रभु पता है कैसे बात करता है इसके द्वारा,
मत भागिए पास्टरों के पास अपने लिए प्रोफेसी कराने के लिए, क्योंकि वो भी यहीं से बोलते हैं। मैं प्रोफेसी के खिलाफ नहीं हूं, बट सबसे बड़ी प्रोफेसी तो इसमें हो रखी है, पवित्र बाइबल में हो रखी है। इसके आधार पर चलिए, मत जाइए अपनी बीमारियों के लिए प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि जैसा वचन कहता है, पहले उसके धर्म और राज की खोज करो, फिर ये सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। मेरे पिता को बीपी और डायबिटीज है, वो फिर भी दिन रात सेवा में लगे रहते हैं, पर इसी के बदले मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो जरा से बुढ़े नहीं हुए घर बैठ जाते हैं, और फिर वो रहते भी कुछ दिन के मेहमान है। या तो आप चिंता को खाएंगे या चिंता आपको खाएगा, और चिंता चिता समान है तो आप सोच सकते हैं। प्रभावशाली बनिए इसके आधार पर। द बाइबल इज द बेस्ट बुक जो आपको इन्फॉर्म भी कर सकता है, ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है, सूचित भी कर सकता है, और आपको बदलाव भी ला सकता है। तो इसके आधार पर चलें, और आप प्रभु से अपने लिए मांगें, प्रभु तूने मुझे ये कला दी है, इसका मैं ये इस्तेमाल करना चाहता हूँ। बचपन से लोग मेरे कहते थे कि आप एक बहुत अच्छा टीचर बन सकते हैं। मैंने प्रभु से मांगा, प्रभु तू मेरे बोलने पर ऐसा अपना बरकत कर कि लोग मुझे सुनकर आशीष पाए, और यहां मैं बैठी हूँ 23 साल की उम्र में आप सबके सामने। क्या आपने प्रभु से मांगा है अपने जीवन के कलाओं के बारे में? और ऐसा नहीं है कि एक ही चीज को पकड़ के बैठे रहे, मल्टीटास्किंग करिए, डिजिटली सशक्त होइए। जरूरी नहीं है कि आप पासवान है तो आपको सिर्फ बाइबल जानना जरूरी है, अरे अखबार भी जानना जरूरी है, मोबाइल भी जानना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप स्टूडेंट हैं तो आप जितना टीचर कहती है उतना ही पढ़ें। बच्चों की बीमारी हो गई है ये कि अगर कॉपी यहाँ से यहाँ खत्म होती है तो बच्चा अपने आप अगली लाइन नहीं पढ़ेगा। बच्चा, आप जितने बच्चे हैं यहाँ पे, जवान हैं यहाँ पे, एक्स्ट्रा स्टडीज करिए, बुक्स पढ़िए। अगर आपने बायो लिया तो बायो के अलावा भी बाकी चीजें पढ़िए, फिजिक्स लिया तो फिजिक्स के अलावा बाकी चीजें पढ़िए, तभी बनेंगे प्रभावशाली। कितनी बड़ी दुनिया है और कितना कम समय है हमारे पास। जितना करेंगे उतना कम है, जितना सीखेंगे उतना कम है। तो प्रभु करें आप अपने इतिहास को अपनी ताकत समझें, अपनी गलतियों को ना दोहराएं। प्रभु करें कि आप अपनी जगह को आपकी ताकत समझें, क्योंकि प्रभु अपने सबसे मुश्किल जंग अपने सबसे होनहार योद्धा को देता है। तो अगर आपके यहाँ सबसे ज्यादा विरोध है, सबसे ज्यादा चुनौतियां हैं, अगर आपको लगता है कि ये गरीबी, ये बीमारी, ये सब मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए था, आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान इस सबसे लड़कर जिंदा नहीं रह पाता। अगर शायद मैं बहुत ज्यादा गरीबी में होती तो शायद मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाती। अगर शायद कोई मुझे बड़ी बीमारी होती तो शायद मैं नहीं जी पाती अपनी खुशी से। पर आप में से बहुत जनों को बड़ी बड़ी बीमारी है, आपके घरों में बहुत बड़ी बड़ी समस्या है, फिर भी आप जीवन से बढ़कर हैं। और आज आप मेरे लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि आप मुश्किल चुनौतियों में स्थिर रहने वाले जन हैं। प्रभु अपनी सबसे मुश्किल जंग अपने सबसे होनहार काबिल योद्धा को देता है। प्रभु करें आप इसी प्रकार से आगे बढ़ें, और जैसा मैंने कहा, अपने वरदानों के बारे में सोचें, कमियों पर काम करें, कमियों को अपना गड्ढा ना जाने, कमियों को भरने के लिए सीखते रहें, सीखते रहें, सीखते रहें। करने को तो एक हष्टपुष्ट इंसान भी कुछ नहीं उखाड़ पाता, पर करने को निक वूनिक जैसा बिना हाथ बिना पैर का व्यक्ति भी करोड़ों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाता है। अपने जीवन के बारे में सोचिए, और जैसा डिजी मीट का अंत उद्देश्य और लक्ष्य है, सदा सीखते रहें, सिखाते रहें, स्वयं सीखकर दूसरों को भी सिखाएं। प्रभु करें कि आप ये डिजिटल उपकरण, और अपने जीवन के बारे में जब आप सोचते हैं तो आप खुद के बारे में भी सोचें। आप शायद बहुत बड़े हो सकते हैं उम्र में, बहुत छोटे हो सकते हैं उम्र में, उससे फर्क नहीं पड़ता, सीखते रहिए, क्योंकि बहुत कुछ है सीखने। और खुद सीखिए पर अपने तक मत रखिए, दूसरों को भी सिखाइए। इस बोतल की पहचान इसलिए नहीं है कि इसके अंदर पानी है, इस बोतल की पहचान इसलिए है क्योंकि ये दूसरों को पानी देने की क्षमता को रखता है। क्या आपका जीवन अपने लिए है या दूसरों के लिए भी है? क्योंकि प्रभावशाली व्यक्ति प्रभु के द्वारा प्रभावशाली बनता है और पूरी दुनिया को हिला के रख देता है। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु करें कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जी सिस्टर चांदनी।